अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स उमर गेमिंग। तो आज मैंने नई वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैं हैट्रिक बताऊंगा, और अगर कोई आपको रूम में इनवाइट करे तो आपने उसको कैसे बीट करना है। तो सबसे पहले आपने रूम के लिए ये चेक करना है कि आपकी एमएस अच्छी हो। अच्छी एमएस है तो फिर आपकी गेम भी अच्छी होगी, क्योंकि एमएस अगर अच्छी है तो आपके हेड भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। उसके बाद दूसरा, अगर आपके पास डिवाइस बहुत अच्छी है, लाइक एक्सट्रीम पर आपके ग्राफिक्स जाते हैं, तो इससे भी आपको बहुत आसानी होती है कि आप किसी को बीट करें। तो इसमें ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि किसी को अगर आपने हराना है तो आपने कवर में रहना है, क्योंकि कवर में आप अगर रहेंगे तो आप दूसरे को मार सकोगे और आपकी एचपी मतलब कि हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इधर इस बंदे को मैं मारता हूँ, ये देख लो, दूसरा बंदा उसके साथ है, फायरिंग मैंने नहीं बंद की। तो इस तरह आपने भी करना है, कवर में रहकर जिस तरह मैं पीक पीक लगा कर दूसरों को मारता हूँ इस तरह। तो यही आपने आजमाना है। तो इसके अलावा पबजी कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आप अगर दिन में 1 घंटा या 2 घंटे देते हैं इसको, क्लासिक को या इसको टीडीएम को, ज़्यादातर आप टीडीएम खेलें, क्योंकि टीडीएम से आपकी प्रैक्टिस होगी। आप पहले, अगर आप न्यू हैं तो पहले वन फिंगर लगाएं, फिर 2 फिंगर लगाएं, फिर 3 फिंगर लगाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे भी डाउनलोड करते हैं तो 6 फिंगर लगा देते हैं, 5 फिंगर लगाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि नया प्लेयर होता है उसको मतलब कि उसको सही गेम प्ले की बिल्कुल समझ नहीं होती। तो मैंने जब शुरू की थी गेम तो पहले 2 फिंगर पे था मैं भी कहता था कि मेरी गेम अच्छी नहीं है, ये है वो है। तो माशाल्लाह आजकल मैं 5 फिंगर 6 फिंगर पर खेलता हूँ, और ना आईपैड है ना कोई और है, सिर्फ आईफोन मेरे पास है, उस पर मैं खेलता हूँ। तो आप गेम भी देख लें, क्लासिक की माशाल्लाह मेरी अच्छी गेम है इसकी, क्योंकि प्रैक्टिस से, क्योंकि ये एक कॉमन रूल है कि आप मेहनत, प्रैक्टिस और स्ट्रगल के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ना ही कोई इस गेम में। दोस्तों को गेम अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।